ये एक बार फिर से करप्ट कांग्रेस के लिए एक मुंह तोड़ झटका। आज आईएनसी का भी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बचा। जहां देखो कांग्रेस पार्टी का करप्शन का जो किस्सा है वो बाहर निकल कर आता है। कर्नाटका में तो ऐसे कई किस्से हैं, मूडा स्कैम से लेकर वाल्मीकि स्कैम और अब ये डीके शिवकुमार जी का जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का स्कैम। अब सवाल उनसे पूछा जाएगा कि क्या अब भी ईडी और सीबीआई को दोष दिया जाएगा? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से बता दिया है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है, न्याय संगत हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है या सुप्रीम कोर्ट से कोई फेवरेबल वर्डिक्ट मिलता है तब सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी फ्री एंड फेयर लोकतंत्र बहाल होता है। डीके शिवकुमार जी की याचिका जो उन्होंने डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस को रद्द करने के लिए लगाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये एक बार फिर से करप्ट कांग्रेस के लिए एक मुंह तोड़ झटका है। आज आईएनसी का भी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बचा। इसका मतलब साफ साफ हो चुका है, आई नीड करप्शन। जहां देखो कांग्रेस पार्टी का करप्शन का जो किस्सा है वो बाहर निकल कर आता है। कर्नाटका में तो ऐसे कई किस्से हैं, मूडा स्कैम से लेकर वाल्मीकि स्कैम और अब ये डीके शिवकुमार जी का जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का स्कैम है। पर सवाल ये बनता है कि जो इंडी अलायंस ये सोचती है कि भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, भ्रष्टाचार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और कोई भी कार्रवाई करे तो वो चिल्लाती अत्याचार अत्याचार, अब सवाल उनसे पूछा जाएगा कि क्या अब भी ईडी और सीबीआई को दोष दिया जाएगा? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से बता दिया है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है, न्याय संगत हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है या सुप्रीम कोर्ट से कोई फेवरेबल वर्डिक्ट मिलता है तब सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी फ्री एंड फेयर लोकतंत्र बहाल होता है। जब सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार का निर्णय आता है तो लोकतंत्र पर काले बादल छा जाते हैं, लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। आज इंडी अलायंस के नेता क्या कहेंगे कि ईडी सीबीआई दोषी है या स्वयं वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकारते हुए मानेंगे कि केवल और केवल वो विपक्ष में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं बनता कि उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिला हुआ। और ये कोई एक ऐसा लौता उदाहरण नहीं है। ये जो अली बाबा और 40 चोर की मंडली है जिसका नाम है इंडी अलायंस, इसमें तो कई सारे नामी गिनामी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित चोर और करप्ट है। लालू प्रसाद यादव जी को तो 2013 से कन्विक्शन झेलनी पड़ रही है और 5 बार कन्विक्टेड है, उनको भी राहत कोर्ट से नहीं मिली। क्या ईडी सीबीआई दोषी है क्या उसके लिए? सबसे पहले जेएमएम कन्विक्ट हुई थी वो 1994 में, उस समय पे ना मोदी जी थे ना अमित शाह जी थे, क्या उसके लिए ईडी सीबीआई जिम्मेदार है? सबसे पहले डीएमके पे केस चले और उनके मंत्री जेल गए तो यूपीए की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस चला तो यूपीए की सरकार थी। स्वयं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान है कि देखिए कांग्रेस ने मुझे इनाम दिया है समर्थन देने के लिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी नेशनल हेल्थ केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक उनको राहत नहीं मिली, वो बेल पर बाहर। मनीष सिसोदिया को भी अभी बेल नहीं मिली है, उनको भी जुडिशियल कस्टडी उनकी एक्सटेंड की गई। तो आज सवाल यह बनता है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कब तक विक्टिमहुड कार्ड खेल के कभी लोकतंत्र समाप्त हो गया या कभी ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये तर्क अपनाया जाएगा? और कम से कम अब नैतिक जिम्मेदारी अपनाते हुए डीके शिवकुमार जी को भी इस्तीफा देना चाहिए और उसके अलावा जो कर्नाटका में मूडा स्कैम है और वाल्मीकि स्कैम है उस पर सिद्धरमैया जी भी बताए कि सीबीआई की जांच से वो क्यों घबराते हैं, क्योंकि सारे तथ्य और सारे रहस्य उजागर हो जाए। डीके शिवकुमार जी की याचिका जो उन्होंने डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस को रद्द करने के लिए लगाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये एक बार फिर से करप्ट कांग्रेस के लिए एक मुंह तोड़ झटका है। आज आईएनसी का भी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बचा। इसका मतलब साफ साफ हो चुका है, आई नीड करप्शन। जहां देखो कांग्रेस पार्टी का करप्शन का जो किस्सा है वो बाहर निकल कर आता है। कर्नाटका में तो ऐसे कई किस्से हैं, मूडा स्कैम से लेकर वाल्मीकि स्कैम और अब ये डीके शिवकुमार जी का जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का स्कैम है।
पर सवाल यह बनता है कि जो इंडी अलायंस ये सोचती है कि भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, भ्रष्टाचार मेरा जनसिद्ध अधिकार, और कोई भी कार्रवाई करे तो वो चिल्लाती अत्याचार अत्याचार, अब सवाल उनसे पूछा जाएगा कि क्या अब भी ईडी और सीबीआई को दोष दिया जाएगा? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से बता दिया है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है, न्याय संगत हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है या सुप्रीम कोर्ट से कोई फेवरेबल वर्डिक्ट मिलता है तब सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी फ्री एंड फेयर लोकतंत्र बहाल होता है। जब सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार का निर्णय आता है तो लोकतंत्र पर काले बादल छा जाते हैं, लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। आज इंडी अलायंस के नेता क्या कहेंगे कि ईडी सीबीआई दोषी है, या स्वयं वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकारते हुए मानेंगे कि केवल और केवल वो विपक्ष में बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं बनता कि उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिला हुआ। और ये कोई एक ऐसा लौता उदाहरण नहीं है, ये जो अली बाबा और 40 चोर की मंडली है जिसका नाम है इंडी अलायंस, इसमें तो कई सारे नामी गिनामी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित चोर और करप्ट है। लालू प्रसाद यादव जी को तो 2013 से कन्विक्शन झेलनी पड़ रही है और 5 बार कन्विक्टेड है, उनको भी राहत कोर्ट से नहीं मिली। क्या ईडी सीबीआई दोषी है क्या उसके लिए? सबसे पहले जेएमएम कन्विक्ट हुई थी वो 1994 में, उस समय पे ना मोदी जी थे ना अमित शाह जी थे, क्या उसके लिए ईडी सीबीआई जिम्मेदार है? सबसे पहले डीएमके पे केस चले और उनके मंत्री जेल गए तो यूपीए की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस चला तो यूपीए की सरकार थी। स्वयं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान है कि देखिए कांग्रेस ने मुझे इनाम दिया है समर्थन देने के लिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी नेशनल हेल्थ केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक उनको राहत नहीं मिली, वो बेल पर बाहर। मनीष सिसोदिया को भी अभी बेल नहीं मिली है, उनको भी जुडिशियल कस्टडी उनकी एक्सटेंड की गई। तो आज सवाल यह बनता है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कब तक विक्टिमहुड कार्ड खेल के कभी लोकतंत्र समाप्त हो गया या कभी ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है ये तर्क अपनाया जाएगा? और कम से कम अब नैतिक जिम्मेदारी अपनाते हुए डीके शिवकुमार जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, और उसके अलावा जो कर्नाटका में मूड़ा स्कैम है और वाल्मीकि स्कैम है उस पर सिद्धरमैया जी भी बताए कि सीबीआई की जांच से वो क्यों घबराते हैं, क्योंकि सारे तथ्य और सारे रहस्य उजागर हो जाए। डीके शिवकुमार जी की याचिका जो उन्होंने डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस को रद्द करने के लिए लगाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये एक बार फिर से करप्ट कांग्रेस के लिए एक मुंह तोड़ झटका है। आज आईएनसी का भी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बचा, इसका मतलब साफ साफ हो चुका है आई नीड करप्शन। जहां देखो कांग्रेस पार्टी का करप्शन का जो किस्सा है वो बाहर निकल कर आता है। कर्नाटका में तो ऐसे कई किस्से हैं मूड़ा स्कैम से लेकर वाल्मीकि स्कैम, और अब ये डीके शिवकुमार जी का जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का स्कैम है। पर सवाल ये बनता है कि जो इंडी अलायंस ये सोचती है कि भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, भ्रष्टाचार मेरा जनसिद्ध अधिकार, और कोई भी कार्रवाई करे तो वो चिल्लाती अत्याचार अत्याचार, अब सवाल उनसे पूछा जाएगा कि क्या अब भी ईडी और सीबीआई को दोष दिया जाएगा? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से बता दिया है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है, न्याय संगत हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है या सुप्रीम कोर्ट से कोई फेवरेबल वर्डिक्ट मिलता है तब सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी फ्री एंड फेयर लोकतंत्र बहाल होता है। जब सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार का निर्णय आता है तो लोकतंत्र पर काले बादल छा जाते हैं, लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। आज इंडी अलायंस के नेता क्या कहेंगे कि ईडी सीबीआई दोषी है, या स्वयं वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकारते हुए मानेंगे कि केवल और केवल वो विपक्ष में बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं बनता कि उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिला हुआ? और ये कोई एक ऐसा लौता उदाहरण नहीं है, ये जो अली बाबा और 40 चोर की मंडली है जिसका नाम है इंडी अलायंस, इसमें तो कई सारे नामी गिनामी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित चोर और करप्ट है। लालू प्रसाद यादव जी को तो 2013 से कन्विक्शन झेलनी पड़ रही है और 5 बार कन्विक्टेड है, उनको भी राहत कोर्ट से नहीं मिली, क्या ईडी सीबीआई दोषी है क्या उसके लिए?
सबसे पहले जेएमएम कन्विक्ट हुई थी वो 1994 में, उस समय पे ना मोदी जी थे ना अमित शाह जी थे, क्या उसके लिए ईडी सीबीआई जिम्मेदार है? सबसे पहले डीएमके पे केस चले और उनके मंत्री जेल गए तो यूपीए की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस चला तो यूपीए की सरकार थी। स्वयं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान है कि देखिए कांग्रेस ने मुझे इनाम दिया है समर्थन देने के लिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक उनको राहत नहीं मिली, वो बेल पर बाहर। मनीष सिसोदिया को भी अभी बेल नहीं मिली है, उनको भी जुडिशियल कस्टडी उनकी एक्सटेंड की गई। तो आज सवाल यह बनता है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कब तक विक्टिमहुड कार्ड खेल के कभी लोकतंत्र समाप्त हो गया या कभी ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यह तर्क अपनाया जाएगा। और कम से कम अब नैतिक जिम्मेदारी अपनाते हुए डीके शिवकुमार जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। और उसके अलावा जो कर्नाटका में मूडा स्कैम है और वाल्मीकि स्कैम है उस पर सिद्धरमैया जी भी बताए कि सीबीआई की जांच से वो क्यों घबराते हैं, क्योंकि सारे तथ्य और सारे रहस्य उजागर हो जाए।